हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं या फिर जो कंसीव कर रही हैं, उन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है, कैसे होती है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, तो आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्लीडिंग हो रही है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपको नॉर्मल पीरियड्स हुए हैं, इसके बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। दोस्तों, जब भी आप बेबी प्लान करते हैं और उसके लिए आप रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद जो स्पर्म और एग कनेक्ट होने के बाद जब एग इम्प्लांट होता है आपके गर्भाशय में, बच्चा बनता है जिसे हम कहते हैं कि आपके गर्भाशय में जा की दीवारों पर जाकर जब एग चिपक जाता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या होता है कि ये कब होता है, इम्प्लांटेशन अक्सर आपके गर्भाशय में एग का जो चिपकना होता है वो करीबन 8 से 10 दिन बाद होता है। हर महिला की जो प्रेगनेंसी होती है वो अलग अलग होती है, तो इसके समय को आप बिल्कुल निश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आमतौर पर देखा गया है कि अगर किसी महिला की ड्यू डेट, फॉर एग्जांपल जो आपकी पीरियड्स की डेट है वो 15 है और आपको 15 के आसपास ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ही हल्के पिंक कलर की होती है या हल्के ब्राउन कलर की होती है, तो वो बेसिकली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। वैसे तो ये 6 से 12 दिन बाद होती है और कभी कभी ये पहली तिमाही तक भी देखी जाती है, तो इसका भी कोई समय निश्चित नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और नॉर्मल ब्लीडिंग में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपकी हल्के गुलाबी रंग की और हल्के ब्राउन कलर की होती है, लेकिन जो आपके नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो ज्यादातर रेड कलर के होंगे, डार्क रेड कलर के होते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है आपकी काफी कम मात्रा में होती है, ये ज्यादातर 1 से 2 दिन तक रहती है और जो आपके नॉर्मल पीरियड्स हैं वो कम से कम 5 दिन रहते हैं, 4 से 5 दिन आपको रहते ही हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको बेसिकली कोई दर्द नहीं होता है, आपको पतला सा एक रिसाव दिखाई देगा और बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन नॉर्मल पीरियड्स सभी जानते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स में आपको पेट में और कमर में ऐठन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा कोई भी दर्द नहीं होता है। बेसिकली जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये एक बहुत ही पहला लक्षण होता है कि आपने गर्भाधारण कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अब बात आती है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई है तो उसके कितने दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले सकते हैं। देखिए, जो आप किट से टेस्ट करते हैं उसमें SCG लेवल का होना बहुत जरूरी होता है। आपकी ड्यू डेट, जो आपकी पीरियड्स की डेट है, उसके निकलने के कम 1 हफ्ते बाद आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपका टेस्ट 99% पॉजिटिव आएगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कभी भी नॉर्मल पीरियड समझने की गलती ना करें कि अगर ये तो आपको ब्लीडिंग हो गई है, आपके पीरियड्स हो गए हैं और अब आप कुछ भी करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको जो ब्लीडिंग हुई है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो लेकिन ब्लीडिंग आपको काफी मात्रा में हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से बिना देरी किए कंसल्ट करें, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी भी 4 से 5 दिन नहीं होती है, लेकिन अगर आपको 3 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 2 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई खतरा जरूर है, कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपने कंसीव ना किया हो। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद भी अगर आपको कुछ लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके जो ब्रेस्ट हैं बहुत ही ज्यादा सोर हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा नाजुक, आपको ऐसा लगेगा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, तो दैट मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं। आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने के कारण आपको बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस होता है, तो ये भी प्रेगनेंसी का एक शुरुआती लक्षण है अगर आपको सरदर्द हो रहा है और बहुत ही थका हुआ आप महसूस कर रहे हैं तो दैट मीन्स प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपका मूड बहुत ही ज्यादा स्विंग हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में यूरिन बार बार आता है, तो अगर आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो रही है
तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद भी ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, अगर आपको ब्लीडिंग, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको ब्लीडिंग होने के बाद भी ये सारे लक्षण दिखाई दें, क्योंकि आम तौर पर जो नॉर्मल लेडीज होती हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं कि उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या फिर उनको नॉर्मल पीरियड्स हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर उनको पीरियड्स हो जाते हैं, अगर उनको उनको ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो सोचती हैं कि ये तो मेरे ड्यू डेट पर मुझे ब्लीडिंग हो गई है, दैट मीन्स मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता है। माना जाता है, या फिर आंकड़ों की मैं बात करूँ, तो 4 में से 1 महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती ही है। ये बहुत ही कॉमन है, तो इसके लिए आपको बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सजेस्ट यही किया जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी 1% भी ब्लीडिंग दिखाई देती है, मैं कहती हूँ कि 2 दिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही थोड़ी भी ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपकी नॉर्मल पीरियड्स हुए हैं, या फिर आपका जो एसीजी लेवल बहुत ज्यादा कम है, या फिर कुछ भी ऐसा इश्यू है, तो डॉक्टर आपको तुरंत कंसल्ट करेंगे और तुरंत आपको कुछ अच्छी दवाइयां देंगे, अच्छे पौष्टिक आहार वाली दवाइयां देंगी। अब बात आती है कि पौष्टिक आहार की मैं बात कर रही हूँ, दवाइयों से मेरा मतलब था कि विटामिन, आयरन और इन सब की गोलियां डॉक्टर्स इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है या फिर जो आपका एग है वो मजबूती से आपकी गर्भाशय में अटैच हो सके। पौष्टिक आहार इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार लें, साबुत अनाज खाएं, फल खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं। इससे आपकी जो शुरुआती प्रेगनेंसी है वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। शुरुआती दिनों में आपका जो मिसकैरेज के खतरा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। जो ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें ऐसे में, क्योंकि जंक फूड में बहुत सारे अनहेल्दी चीजें होती हैं जो आपको और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी निकलेगी और बहुत ही स्वस्थ रहेगी। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स आपको गुड न्यूज मिलने ही वाली है। तो ये होता है दोस्तों इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और नॉर्मल ब्लीडिंग में फर्क। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।